तो भाई लोग कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आईकू न्यू 6 स्मार्टफोन को मैंने यूज करो लगभग 30 डे के आसपास, और अब बारी आ चुके स्मार्टफोन का फुल रिव्यू देने का, क्योंकि इतने दिन मैंने यूज करो मुझे तो पता चल गया स्मार्टफोन में जो अच्छाई रहने वाला है जो बुराई रहने वाला है। इसीलिए आज इस वीडियो में स्मार्टफोन का फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्रोस एंड कॉन्स के साथ। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी स्मार्टफोन कैसा होने वाला है आपके लिए। वो जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करके एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए बिना टाइम लेते तो हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ दोस्तों, सबसे पहले ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं 6.62 इंच फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले, जो काफ़ी अच्छी बात है, और इसका बेजल्स नीचोचन काफ़ी छोटा होने वाला है। फ्रंट साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, HDR10+ का सपोर्ट भी रहने वाला है, और यहाँ पे 120Hz हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। इसी वजह से जब मैंने स्क्रॉलिंग वगैरह किया था जो स्मूथनेस मेरे को मिला था काफ़ी बढ़िया सा था। और स्मार्टफोन को जब मैंने आउटडोर में क्योंकि बाहर में भी लेकर यूज किया था उसी टाइम भी मेरे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। ऑब्वियसली डिस्प्ले अच्छा या फिर प्रोवाइड करे। और यहाँ पे मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काफ़ी फास्ट होने वाले, देख सकते हो मैंने यहाँ पे टैप करो ओपन हो रहा है, बहुत ही फास्ट है। और यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, कितना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे को मिला। यहाँ पे जो चिपसेट मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से 870 चिपसेट, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और 5G चिपसेट है, आप सभी लोग जानते होंगे। और जब मैंने अंतुतु स्कोर को रन किया था 7 लाख के ऊपर इसका अंतुतु स्कोर आया था, और जब मैंने BGMI गेम को प्ले किया था अल्ट्रा हाई सेटिंग करके स्मार्टफोन में मैंने BGMI गेम को प्ले करवा था, उसी के मेरे को थोड़ा लैग फ्रेम का कुछ भी नहीं दिखाई दिया था, और मैंने लगभग 4.5 घंटे के ऊपर BGMI गेम प्ले किया हो तब भी थोड़ा सा भी हीट नहीं हुआ जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं हीट हो रहा है। और यहाँ पे बैटरी जो रहने वाला है 4700 mAh की बैटरी मिल जाएगा, और यहाँ पे 88 वाट का फास्ट चार्जर। तो चार्ज करने के लिए जो टाइम लगता है 43 मिनट में मैंने स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर पाया था, लेकिन जो बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन होता है, 5 घंटे के अंदर स्मार्टफोन का बैटरी फुल ड्रेन होता है जब मैंने BGMI गेम को प्ले किया था। और डिजाइन के बारे में बात करें तो डिजाइन में यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दिया, क्योंकि बैक साइड में यहाँ पे प्रोवाइड करे पॉली कार्बोनेट का बॉडी क्योंकि प्लास्टिक बॉडी, तो यहाँ पे ग्लास बॉडी देना चाहिए था। उसके साथ साथ ये जो स्मार्टफोन थोड़ा मोटा होने वाला है और भी पतला करना चाहिए था, ज़्यादा मोटा है और ज़्यादा भारी भी है। जब मैंने एक हाथों में लेकर यूज किया था मुझे थोड़ा भारी फिट लगा था, तो यहाँ पे पतला होता तो और भी बहुत अच्छा होता। और कैमरे के बारे में बात करें तो बैक साइड में मिलते हैं या फिर ट्रिपल कैमरा, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 1 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी में मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो मैं आप लोगों को कुछ कैमरा का पिक्चर क्वालिटी देखा देता हूँ, देख सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करे काफ़ी बढ़िया सा, जो सारे पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी दोस्तों ये सारे पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और बात करते हैं आप स्मार्टफोन कैसा होने वाला है आपके लिए। ऑब्वियसली मैं कहने वाला हूँ अच्छा स्मार्टफोन है, जहाँ पे प्रोसेसर भी अच्छा मिल रहा है, डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है, कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, और बैटरी बैकअप थोड़ा स्लो है। यहाँ पे बैटरी बैकअप इससे अच्छा देना चाहिए था, और डिजाइन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करता तो और भी बहुत अच्छा होता। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को मास्क भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।